Hello everyone, my name is Disha Chaturvedi and today I am going to explain about potential appraisal. मेरे previous videos की तरह ये भी आपको काफ़ी पसंद आएगा. So देर ना करते हुए लाइक एंड सब्सक्राइब करें एवं अपने सुझाव मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं. तो आज के टॉपिक पर आते हैं. What is potential appraisal? Potential appraisal को समझने के लिए पहले अप्रेजल को समझते हैं. अप्रेजल यानी मूल्यांकन. जब किसी व्यक्ति या वस्तु की वैल्यू, उसकी क्वालिटीज, उसकी वर्थ का मूल्यांकन किया जाता है, उसका जजमेंट किया जाता है, तो उसे अप्रेजल कहते हैं. अब यानी कि अ जजमेंट अबाउट द वैल्यू और क्वालिटी ऑफ समबडी समथिंग. अब बात करते हैं पोटेंशियल की. पोटेंशियल यानी कि क्षमता. पोटेंशियल को किसी व्यक्ति या वस्तु में विद्यमान गुण या क्षमताओं के रूप में देखा जा सकता है जो कि अभी पूरी तरीके से विकसित ना हुई हो या जिनके बारे में अभी जानकारी ना हुई हो या जिनको अभी तक यूज़ में ना लाया गया हो. अप्रेजल और पोटेंशियल को इंडिविजुअली अलग अलग जानने के बाद जब हम किसी ऑर्गेनाइजेशन में पोटेंशियल अप्रेजल की बात करते हैं तो उससे हमारा मतलब ऑर्गेनाइजेशन की पूरी वर्कफोर्स में से ऐसे एम्प्लॉयज़ का पता लगाना होता है जिसमें फ्यूचर पोजीशंस को परफॉर्म करने की, सीनियर पोजीशंस को होल्ड करने की का पोटेंशियल दिखाई देता हो. The potential appraisal refers to the appraisal identification of the hidden talents and skills of a person. The person might or might not be aware of them. Potential appraisal is a future-oriented appraisal whose main objective is to identify and evaluate the potential of the employees to assume higher positions and responsibilities in the organizational hierarchy. Many organization consider and use potential appraisal as a part of the performance appraisal process. Potential appraisal human resource development का एक mechanism है जो future competency को ध्यान में रखते हुए organization के goal को achieve करने में मदद करता है. Purpose and objectives of potential appraisal: to inform employees of their future prospectus. इसके द्वारा एम्प्लॉयज़ को उनके फ्यूचर प्रोस्पेक्टस के बारे में जानकारी दी जाती है कि वो कौन कौन सी पोजीशन एक्वायर कर सकते हैं जिससे कि एम्प्लॉय मोटिवेट रहते हैं वर्क करने के लिए, खुद को डेवलप करने के लिए. सेकेंडली, टू इनेबल द ऑर्गेनाइजेशन टू ड्राफ्ट अ मैनेजमेंट सक्सेशन प्रोग्राम. पोटेंशियल अप्रेजल से मैनेजमेंट को क्लियर आइडिया हो जाता है कि कौन सा एम्प्लॉय किस पोजीशन को फ्यूचर में होल्ड कर सकता है. सो सक्सेशन प्लानिंग का ड्राफ्ट बनाते समय डिसीजन मेकिंग में काफ़ी मदद मिलती है पोटेंशियल अप्रेजल से. देन टू अपडेट ट्रेनिंग एंड रिक्रूटमेंट एक्टिविटीज़. मैनेजमेंट पोटेंशियल को प्रॉपरली यूटिलाइज करने के उद्देश्य से डिफरेंट ट्रेनिंग एक्टिविटीज़ ऑर्गेनाइज करवाते हैं सो दैट अवेलेबल पोटेंशियल को पॉलिश किया जा सके. Lastly, to advise employees about the work to be done to enhance their career opportunities. यानी potential appraisal से employees को advice दी जा सकती है कि वो competitive बने रहने के लिए या higher position acquire करने के लिए अपने किस area को ज़्यादा strong बनाए. पोटेंशियल अप्रेजल एंड पर्पस एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ पोटेंशियल अप्रेजल जानने के बाद में आइए बात करते हैं टेक्निक्स ऑफ पोटेंशियल अप्रेजल की, कि किन टेक्निक्स के थ्रू पोटेंशियल अप्रेजल को परफॉर्म किया जाता है. सबसे पहले आता है सेल्फ अप्रेजल यानी कि सेल्फ रिव्यू, जिसमें कि एम्प्लॉय खुद का रिव्यू करते हैं, खुद के स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स एंड वीकनेसेस का पता करते हैं, उनको पॉइंट आउट करते हैं. उसके बाद आता है पीयर अप्रेजल. पीयर अप्रेजल का मतलब है कि एम्प्लॉय के साथ में उस एक लेवल पर काम करने वाले यानी उसके साथ में काम करने वाले कुलीग्स जो हैं उनके द्वारा एम्प्लॉय का रिव्यू करना, उनके द्वारा एम्प्लॉय के पोटेंशियल का अप्रेजल करना यानी रिव्यू करना. उसके बाद आता है सुपीरियर अप्रेजल, जिसमें कि एम्प्लॉय के जो सुपीरियर मैनेजर होता है वो एम्प्लॉय के का रिव्यू करता है, एम्प्लॉय के पोटेंशियल का रिव्यू करता है और उसकी स्ट्रेंथ वीकनेसेस को मार्क करता है. देन MBO यानी कि मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स, यानी कि
कंपनी के मिशन और विज़न के टाइम पर जो मैनेजमेंट ने ऑब्जेक्टिव डिसाइड किए होते हैं उन पर कोई एम्प्लॉय कितना खरा उतर रहा है उसके थ्रू एम्प्लॉय के पोटेंशियल का पता लगाया जाता है। देन साइकोलॉजिकल एंड साइकोमेट्रिक टेस्ट। साइकोलॉजिकल एंड साइकोमेट्रिक टेस्ट जो होते हैं वो एम्प्लॉय की साइकोलॉजिकल कंडीशन, उसका एप्टीट्यूड, उसका बिहेवियर पता करने के लिए किए जाते हैं, जिनसे कि उसकी फ्यूचर परफॉर्मेंस के बारे में आइडिया लग सकता है। देन मैनेजमेंट गेम्स लाइक रोल प्लेइंग। मैनेजमेंट गेम्स का मतलब होता है वो एक्टिविटीज़ जिनके थ्रू एम्प्लॉयज़ की मैनेजरियल स्किल्स, उनकी एग्जीक्यूटिव स्किल्स को जांचा जा सके। तो इस तरीके के जो एक्टिविटीज़ होती हैं, टेक्निक्स होती हैं, उनमें रोल प्लेइंग भी एक टेक्निक है जिसमें एक पर्टिकुलर रोल में आपको फिट करके देखा जाता है और आपको परफॉर्म करने के लिए बोला जाता है कि आप उसको परफेक्टली परफॉर्म कर पा रहे हैं या नहीं। इसके अलावा पोटेंशियल अप्रेजल की जो टेक्निक्स हैं उनमें लीडरशिप एक्सरसाइज आती है जिसमें एक लीडर के तौर पर आप में क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए उन सारी चीज़ों को रिव्यू किया जाता है। पोटेंशियल अप्रेजल, पर्पस एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ पोटेंशियल अप्रेजल, टेक्निक्स ऑफ पोटेंशियल अप्रेजल जानने के बाद अब बात करते हैं पोटेंशियल अप्रेजल एंड परफॉर्मेंस अप्रेजल में डिफरेंस की। पोटेंशियल अप्रेजल परफॉर्मेंस अप्रेजल से किस तरीके से डिफरेंट है आइए उसको जानते हैं। तो जो पोटेंशियल अप्रेजल होता है जजेस द कैपेबिलिटी ऑफ एम्प्लॉय कीपिंग इन माइंड द पर्सन फॉर फ्यूचर पोजीशन। पोटेंशियल अप्रेजल में एम्प्लॉय की कैपेबिलिटी को फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए रिव्यू किया जाता है कि वो फ्यूचर में पोजीशंस को होल्ड कर सकता है, इतना पोटेंशियल उसमें है या नहीं। जबकि परफॉर्मेंस अप्रेजल में एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को, इंडिविजुअल एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को रिव्यू किया जाता है ओवर अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, कहाँ पर उसकी परफॉर्मेंस स्ट्रॉन्ग गई और कहाँ पर उसकी परफॉर्मेंस में वीक एरिया दिखाई दिया। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है इट डज़ नॉट हैपन एट पर्टिकुलर इंटरवल, यानी कि जो पोटेंशियल अप्रेजल है उसका कोई निश्चित समय नहीं होता, कंपनी अपनी नीड के अकॉर्डिंग इसको ऑर्गेनाइज कर सकती है। ज़्यादातर पोटेंशियल अप्रेजल तब होता है जब किसी एम्प्लॉय ने कोई बड़ा अचीवमेंट या कोई माइलस्टोन क्रैक किया हो या फिर एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन को पूरा कर लिया हो एम्प्लॉय ने या फिर वो ऑर्गेनाइजेशन को चेंज करने के बारे में सोच रहा हो। जबकि जो परफॉर्मेंस अप्रेजल होता है वो पर्टिकुलर इंटरवल्स पर होता है जो कि आपका क्वार्टरली, हाफ ईयरली या ईयरली हो सकता है। पोटेंशियल अप्रेजल फॉरवर्ड लुकिंग होता है यानी आगे की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए होता है, जबकि जो परफॉर्मेंस अप्रेजल होता है वो बैकवर्ड लुकिंग होता है यानी कि आपकी पास्ट परफॉर्मेंस को ध्यान में रखते हुए किया जाता है। जो पोटेंशियल अप्रेजल होता है उसकी रिकॉग्निशन फ्यूचरिस्टिक अप्रोच पर बेस्ड होती है यानी आपकी फ्यूचर रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए पोटेंशियल अप्रेजल किया जाता है, और जो परफॉर्मेंस अप्रेजल होता है उसकी रिकॉग्निशन पास्ट परफॉर्मेंस के थ्रू होती है यानी कि पास्ट परफॉर्मेंस को रिव्यू करने के लिए परफॉर्मेंस अप्रेजल किया जाता है। पोटेंशियल अप्रेजल इज़ द इंडिकेटर ऑफ फ्यूचर परफॉर्मेंस, जबकि परफॉर्मेंस अप्रेजल इज़ द इंडिकेटर ऑफ पास्ट परफॉर्मेंस। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको मेरा ये वीडियो, मेरा ये लेक्चर काफ़ी पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल से जुड़े रहने के लिए उसे सब्सक्राइब करें और रीसेंट वीडियोज़ के टाइमली अपडेट के लिए बेल आइकन को क्लिक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।